अरे फरजान कहाँ गया बे? ओ भाई साहब, मेरा दोनों चीता आ रहा है यार, वो दोनों ऊपर। आजा आजा, सभी लोग पैदल ही आ रहे हैं, इतनी भीड़ है रोपवे पे जाने के लिए कि मौका नहीं मिलेगा चढ़ने वाले को बोल के लिए भाई, इसलिए लोग पैदल ही जा रहे हैं और आ रहे हैं। आजा चीते आजा भाई। अंजार मजा आया, बोल रहा हूँ ना फरजान, कैसा फील? बहुत मजा आया, अभी चढ़िए चढ़िए, लेकिन करेगा चढ़ने का, लेकिन आराम से चढ़िए, सेफ रहकर जी भाई। बहुत भीड़ है भाई, देख रहे हो भीड़, अब लोग पैदल जा रहे हैं और आ रहे हैं। ऊपर जाने का मूड नहीं हो रहा क्योंकि रोपवे से जा नहीं पा रहे ना, इसलिए नदीम तो बहुत पहले ही थक गया है, अभी आधा किलोमीटर भी नहीं चढ़े नदीम थके बैठ चुका, बोला अब हमसे ना हो पाएगा। बचे हम तीन, तो फरजान और अंजार तो ऊपर उस चोटी पे चढ़ गया था वो दोनों, अब वो दोनों अभी ऊपर से नीचे उतरा है, यहाँ देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। बाकी मैं नीचे था, पानी वानी पी के आराम कर रहा था, चढ़ जाएगा ऊपर तक, हम जा चुके हैं। और आप भीड़ देखिए, थोड़ा रुक रुक के देखिए, मुझे लग रहा है चढ़ सकता है आदमी, देखे लग रहा है लोग आ रहे हैं अभी। कर रहा हूँ वो आप लोग देखिए, चिंगम के साथ हमारा ये सफर खत्म, पर जाने का मूड नहीं हो रहा, जा रहे हम लोग सभी लोग नीचे। आज संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ है, रोपवे चालू है, रोपवे चालू है, बट किसी को टिकट नहीं मिल पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और टिकट अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं घोड़ा कटोरा, जहाँ बोटिंग होगा, उसके बाद भीड़ है भाई, ये आप देख सकते हैं लाइन, ये वाला ये वही लाइन है जो रोपवे पे चढ़ने वाला लाइन है, इन लोगों को टिकट मिल चुका है और ये खड़े हैं यहाँ पर और रोपवे पे चढ़ने के लिए भाई वेट कर रहे हैं अभी। ये लंबी कतार को लगता है कि इतने लोगों का नंबर आते आते इवनिंग हो जाएगा। यहाँ तक लाइन खत्म, आगे फिर इधर है, अब आप देख सकते हैं वहां उसके पीछे भी वो लाइन कंटिन्यू वहां तक है। भाई टोटो पे बैठा गया है भाई, यहाँ पर 100 रुपया प्रति व्यक्ति लगता है आती जाती, आते जाते 100 रुपए प्रति व्यक्ति है, आपको गौतम होटल के पीछे से मिलता है। घोड़ा कटोरा यहाँ से 6.5 किलोमीटर है, यहाँ पे बोटिंग किया जा सकता है। शांति स्तूप वहाँ लोग जा रहे हैं और वहीं से हम लोग आ रहे हैं, इतना ऊपर नहीं गए थे, उसके नीचे ही थे, लेकिन वहां से आ रहे हैं। चारों ओर वादियाँ ही वादियाँ हैं, वो टावर है जंगल के बीच में। भाई ओ यार, पहुंच गए हम लोग घोड़ा कटोरा और अभी
मेरे पीछे ये यार ये झील ये तालाब। वो गौतम बुद्ध। और भाई बड़ा मजा आ रहा है यार, सबको खाना खिला रहे हैं। तो भाई हो गया, अब घूम लिया, एंटरटेनमेंट हो गया यहाँ पर जितना भी घूमना था। और भाई वोटिंग का तो मौका मिला नहीं, बहुत ज़्यादा रश और डेढ़ घंटा दो घंटे का समय बोला जा रहा था कि अगर वेट कीजिएगा तो ही मिलेगा वोट। तो उतना बैठ कर भी कोई फ़ायदा नहीं है, संडे के दिन है, गलत दिन आ गए हम लोग, सभी लोग घूमने आते हैं। अब बस यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब हम वोटिंग करने का तो मौका नहीं मिला, ना उसके ब्रिज पर चढ़ने का मौका मिला। भाई कम से कम ये पुराने वाले पर हम लोग आ गए नीचे। ये भाई घोड़ा कटोरा और वो है गौतम बुद्ध जो घोड़ा कटोरा लेक के बीच में, और सभी लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। भाई हमको नहीं मिला टिकट, मिलने वाला था क्या, मतलब दो घंटा वेट करने के लिए कि दो घंटा वेट कीजिएगा तो टिकट मिलेगा, मिल जाएगा और आपको बैठने का मौका मिलेगा। तो दो घंटे का मतलब है 6 बज जाना यार, अब तो नहीं बैठ पाए हम लोग। अब सूरज ग्रूब होने के लिए है, बहुत भीड़ है इधर सारी। हवा भाई बैटरी वाली ई रिक्शा सभी लगी है दोनों तरफ, उधर भी। और आप देख लीजिए ये है यार ब्यूटी ऑफ बिहार। लोग लोनावला क्यों जाएंगे यार, यहाँ ये एक बार ये घूमिए यहाँ आकर, ये देखिए। अभी तो हम लोग को निकलना है, फिर जा रहे हैं जहाँ बाइक लगी थी वहाँ रोपवे के पास। तब तक के लिए मिलते हैं फिर आपको ऑन द रोड। टाइम हो रहा है 5:55 और अभी हम राजगीर में हैं। शाम हो गया था, सुबह से कुछ खाए रहे थे, सिर्फ बख्तियारपुर में जो लिट्टी खाया, लिट्टी के बाद अभी पराठा और बोनलेस मैंने खाया हम लोगों ने सबने, और खा कर बस अब निकलने का इरादा है। नदीम के बाइक की गाड़ी की तेल जो है ना वो कुछ कम है, जिस वजह से वो बोला कि भाई पहले रुकते ही तेल लेंगे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब 8 बजे हम लोग पटना रहेंगे। अगर बिना
देखा है तो बिना रुके 8 बजे तक पटना पहुंच जाना। फूल हो गया खत्म। अब निकल रहे हैं, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल पे जो लोग नए हैं भाई वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और भाई हमें बताएं कि कितना मज़ा आया आपको ये वीडियो देखकर। बाकी मिलता है आपका अकरम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।